तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी आपको जियो के बारे में, जिसके अंदर कुछ ऑफर्स आए हुए थे और कुछ जानकारियाँ थी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि ये अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में AGM होता है जियो का, उसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं। उसी बीच एक अनाउंसमेंट ये निकल के आ रहा है, आप कह सकते हैं कि आपको जियो एक ऐसी फैसिलिटी देने जा रहा है जिसके अंदर आपको 5 GB का डेटा मिलेगा। तो कैसे उस डेटा का लाभ उठाओगे, उसके बारे में बहुत लोगों ने वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट तरीके से बताया नहीं है कि कहाँ से आपको ये डाटा मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको माई जियो ऐप में जाना है। ऐप जैसे ही आप खोलते हैं, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जियो क्लाउड का, नीचे जाने पे दिखेगा, आपको ऊपर को नहीं दिखेगा ये ऑप्शन। तो जियो क्लाउड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर आपको लिखा हो आ जाता है, इंट्रोड्यूसिंग जियो क्लाउड इन माई जियो, अवेल योर फ्री 5G क्लाउड स्टोरेज। अब ये क्या 5 GB क्या मिल रहा है, क्या आपको इंटरनेट की सुविधा मिल रही है 5 GB की, या फिर आप इसका इस्तेमाल क्या क्या चीज़ों में कर सकते हो? देखो, सबसे पहले ये 5 GB जो है ना, नॉर्मल जो इंटरनेट आप चलाते हैं, मतलब कि जैसे यूट्यूब देखते हो या फिर कोई चीज़ चलाते हो, उसके लिए आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको सेव करने के लिए जैसे आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो, तो उसके जितने इंटरनेट खर्च होते हैं वो आपके जियो के जो MB होते हैं वहाँ से खर्च होते हैं। लेकिन जियो क्लाउड का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो जियो क्लाउड के थ्रू जियो क्लाउड पे वो अपलोड होगा और सेफ्टी के साथ अपलोड होगा, और वहाँ पे जितना भी इंटरनेट लगेगा वो आपका बिल्कुल इस 5 GB में से कटेगा। मतलब कि 5 GB तक के डेटा आप अभी डाल सकते हो। क्या क्या डाल सकते हो? जियो क्लाउड स्टोर्स फोटो, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, फाइल्स ऑफ एनी टाइप एंड साइज। मतलब कि किसी भी टाइप का फाइल, साइज और डॉक्यूमेंट को आप इसको अपलोड कर सकते हो अपने जियो क्लाउड के ऊपर। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आपने जब 5 GB डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपलोड कर दिया किसी भी डॉक्यूमेंट को जियो क्लाउड के ऊपर, तो कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो जियो क्लाउड को एक्सेस करने के लिए आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ेगी, या कंप्यूटर की, या फिर TV की। तो कंप्यूटर और स्मार्टफोन तो चलो समझ में आ गया आपको, लेकिन TV से कैसे देख पाओगे? देखो, स्मार्ट TV जिनके पास है ना, उनके अंदर माई जियो ऐप एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, माई जियो क्लाउड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो, देख सकते हो क्या चीज़ें आपकी आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। यहाँ पे आप बैकअप, फाइल टाइप, नेटवर्क प्रेफरेंसेस, फोन सेटिंग, या सेटिंग में जाके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, उसके बारे में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मैंने कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे 5G और 5G रिमेनिंग दिखा रहा है, फोटो, वीडियो, ऑडियो, अदर्स, ये अपलोड करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि मैं अगर फोटो अपलोड करना चाहता हूँ, टू एक्सेस योर फाइल टू स्टोर ऑन जियो क्लाउड यू विल बी डायरेक्टेड टू प्ले स्टोर टू इंस्टॉल द ऐप, तो उसके पहले आपको जियो क्लाउड का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। तो जियो क्लाउड जैसे ही ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, तभी जाके आप अपने जो भी प्रोसेस है, मतलब अपलोडिंग का प्रोसेस है, उसको ईजिली प्रोसेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जियो क्लाउड का जिसको जरूरत है जियो क्लाउड की, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स को डालना है, वो अपना डाउनलोड कर लें। तो मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ, देखता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर आप जाके जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह है उसको अपलोड कर सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको स्मूथली चला सकते हो। तो मतलब कि जियो की तरफ से काफ़ी अच्छा सुनहरा ऑफर दिया गया है उनके कस्टमर्स के लिए, कि वो अपने डेटा को सेव रख सकें और आपके मोबाइल में जो मेमोरी जो ख़त्म होता जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कर सकें इस चीज़ में। मतलब कि मेमोरी आपका फ़ोटो, फ़ोन के गाने ये सब में ख़त्म हो रहा है, तो आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर लीजिए जियो क्लाउड पे, और जैसे ही आपको मिलता है इसको एक्सेस कीजिए। ये जियो क्लाउड खुल गया, जियो क्लाउड पे सिक्योर लॉगिन कर रहे हैं हम। सिक्योर लॉगिन करने के बाद हमारा लॉगिन एक बार हो जाता है तो यहाँ पे शो करेगा सब कुछ। हमने सिक्योर जब लॉगिन किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता रहा है, वो ऑप्शंस पे हम क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पे कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसका सेटिंग बैकअप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे आप कैसे बैकअप को कर सकते हैं, तो वाईफाई प्लस सेलुलर कर सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए। और जियो क्लाउड वुड लाइक टू एक्सेस योर स्टोरेज, स्टोरेज जब तक एक्सेस नहीं करेगा तब तक काम बनेगा नहीं, तो इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ कर दिया हमने जो स्टोरेज हमें देना था उसके लिए। अब उसके बाद हम कुछ भी अपडेट करना है, अपलोड करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं, बोर्ड में जाके या फिर यहाँ पे माई फाइल में जाके, यहाँ पे ऑल फाइल्स में जाओ और जो भी चीज़ें अपडेट करनी है, अपलोड करनी है, उसको यहाँ से अपलोड अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैकअप लेना शुरू हो चुका है, अपने आप बैकअप ले रहा है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, अलाउ करते हो जियो क्लाउड को, ये बैकअप लेना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बनता है। फोटोज़ जो हैं अपडेट होनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये अपने ऑटोमेटिक अपडेट कर रहा है, अपलोड कर रहा है फोटोज़ को। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कोशिश कीजिए कि जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनको नोटिफिकेशन के साथ देखा जाए, और क्लिक करना मत भूलिएगा घंटी बटन पर, क्योंकि आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे, ये ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।